दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी आकर्षक सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वाईओ यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वह 56,100 रुपये की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 ईयर्स की सर्विस कम्प्लीट करना कंपल्सरी होता है और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल 2,06,996 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद यह रैंक मिल जाती है, लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 ईयर्स की कमीशन सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,30,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है, और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है, और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर 1 स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है, और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमीशन सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है, और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,44,200 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को MSP नहीं दी जाती है, जिस वजह से उनकी अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है, और इन्हें इस रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है, और यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर रैंक होता है, और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वॉर्ड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है, और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है, जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, हालांकि यह रैंक गिने चुने लोग को ही दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, जिसमें कि एक है फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानिकसो। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।